Hi guys, I hope you all are doing well. In today's video, I'm going to talk about introduction questions. The topic is writing. जो writing है वो आज का हमारा topic है. Writing का मतलब होता है लिखना. So without wasting any time, let's start today's video. The first question of this video is, do you write a lot? क्या आप ज़्यादा लिखते हो? The answer of this question is, To be honest, सच बताऊँ, I do not write a lot. मैं ज़्यादा नहीं लिखती. I write only in my semester exams. मैं लिखती हूँ सिर्फ अपने semester exams में. Writing का मतलब यहाँ पे है कि अपने हाथ के साथ paper पे लिखना. अगर आप कहीं study कर रहे हो अभी currently, तो आप बता सकते हो कि मैं अपने exam में लिखती हूँ. अगर आप वैसे ही कुछ daily diary वगैरह लिखते हो, तो आप वो बता सकते हो. और अगर आप अभी कहीं पे काम करते हो, तो वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें लिखते हो, क्या आपका काम होता है, क्या आपको हाथ से पेपर पे लिखना पड़ता है, वो बता सकते हो. जैसे कि यस हाँ, आई राइट अ लॉट. मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ. करंटली अभी की बात की जाए, आई एम डूइंग वर्क इन डैश कंपनी, कि मैं काम करती हूँ. यहाँ पे किसी कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हो जहाँ भी आप काम करते हो. एज यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन मेंशन करना है, जैसे कि एज अ रिसेप्शनिस्ट. आई राइट डैश मेंशन द थिंग्स यू राइट, कि मैं यहाँ पे जो मेरा काम है वहाँ पे मैं ये चीज़ें लिखती हूँ. तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो. दोनों में से एक चीज़ आप बता सकते हो, जब फर्स्ट वाली या फिर सेकेंड वाली. द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, वॉट डू यू लाइक टू राइट. आपको क्या पसंद है लिखने में, वाई और क्यों? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, नाउअडेज अभी की बात की जाए, आई डू नॉट राइट एनीथिंग. मैं कुछ भी नहीं लिखती. बट पर फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, आई यूज टू राइट एवरी डे. मुझे आदत थी, मैं हर रोज लिखती थी. द लेसन्स विच आई हैड गॉटन फ्रॉम माई डे टू डे लाइफ. लेसन्स मतलब जो मुझे सीख मिलती थी मेरी जो रोज़ाना की ज़िंदगी थी उससे, वो चीज़ मैं लिखती थी. आई रोट दिस, मैंने ये लिखा था बिकॉज, क्योंकि दीज आई डिड नॉट वॉन्ट टू फर्गेट एवर. क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि ये सब चीज़ें मैं भूलूँ. फर्गेट का मतलब होता है भूलना, कि मैं ये सब चीज़ें कभी भूलना नहीं चाहती, तो इसीलिए मैंने ये लिखा था. आई थिंक इट इज़ वेरी मीनिंगफुल. मुझे लगता है कि ये काफ़ी मीनिंगफुल है, इनका काफ़ी मीनिंग है. द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, डू यू थिंक द थिंग्स यू राइट वुड चेंज. इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हो, जो चीज़ें आप लिखते हो वो चेंज होंगी फ्यूचर में. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई डू नॉट कंसिडर. मुझे नहीं लगता है, मैं ये नहीं सोचती है, मैं ये नहीं मानती. द थिंग्स आई रोट, जो चीज़ें मैंने लिखी थी, वुड चेंज, वो चेंज होंगी. बिकॉज क्योंकि दीज वर सम लाइफ लेसन्स, ये सब कुछ लाइफ लेसन थे. मतलब कि जिंदगी की जो सीख होते हैं, सबक होते हैं, वो थे. दैट जो कि आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखे हैं. एट दैट टाइम, उस समय मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखे थे. एवरी डे, हर एक दिन. आई थिंक, मुझे लगता है, न्यू लाइफ लेसन्स, कि जो नए लाइफ लेसन्स है, जो नई ज़िंदगी जो सीख वगैरह देती है हमें, सबक वगैरह देती है, विल एड इन माई रिटन ओल्ड लाइफ लेसन्स. वो एड हो जाएंगे, जो मेरे पुराने लिखे हुए लाइफ लेसन्स हैं उनमें. बट पर इट वुड नॉट चेंज, पर ये चेंज नहीं होंगे कभी. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो इज, डू यू प्रेफर टाइपिंग और हैंड राइटिंग व्हेन यू आर राइटिंग. इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस चीज़ को तरजीह दोगे. प्रेफर का मतलब होता है तरजीह देना, टाइपिंग को, जो कंप्यूटर पे हम टाइपिंग करते हैं उसको, और हैंड राइटिंग मतलब अपने हाथ से लिखने को. जब आप लिख रहे होगे, जब भी आप लिखोगे. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, एज आई सैड अर्लियर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है,
नाउअडेज आजकल आई डू नॉट राइट एनी थिंग, मैं कुछ नहीं लिखती एक्सेप्ट इन माई सेमेस्टर एग्जाम्स, मेरे जो सेमेस्टर एग्जाम हैं उनको छोड़कर। बट पर इफ आई विल हैव टू राइट समथिंग, पर अगर मुझे कुछ लिखना पड़े देन फिर आई विल डेफिनेटली प्रेफर टाइपिंग, तो मैं प्रेफर करूँगी, मैं तरजीह दूंगी टाइपिंग को, बिकॉज क्योंकि आई हैव लर्न इट, मैंने ये सीखी है, इसलिए माई टाइपिंग स्पीड इज फास्टर, वो मेरी टाइपिंग स्पीड है जो वो बहुत ज़्यादा तेज है एज कम्पेयर टू, अगर इसे कंपेयर किया जाए हैंड राइटिंग से। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।